चलो हमारी एकता जिंदाबाद, विशाल धरना प्रदर्शन, ये आज इन्हें 11वां दिन हो गया है। अपने घर बार को छोड़कर, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपनी मांग को लेकर, ये डबल स्किल्ड हैं। आप स्किल्ड के बारे में नहीं जानते हो, स्किल्ड के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये पहले से ही ट्रेंड है, आईटीआई के माध्यम से, पॉलिटेक्निकल के माध्यम से, अन्य इंस्टीट्यूट के द्वारा इन्होंने प्रशिक्षण लिया है। उसके बावजूद रेल मंत्रालय ने, रेलवे ने इन्हें अप्रेंटिस कराया, 3 साल 4 साल 5 साल, यहाँ तक कि 8-8 साल इन लड़कों ने, इन युवाओं ने रेलवे को अपनी सेवा दी। और सेवा देने के बावजूद आज इनको दिल्ली के ऐतिहासिक जगह, भारत की ऐतिहासिक जगह जंतर मंतर पर रोड पे बिठा दिया है। मैं ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन का सचिव हूँ जी। हमारे ऑल AIRF के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड शिव गोपाल मिश्र जी ने हमें आश्वासन दिया है कि उन्होंने रेल मंत्री जी से चर्चा की है और हम लोगों को जल्द से जल्द पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत समायोजन कराने का कार्य करेंगे। और मैं एक संदेश अपने एसोसिएशन की तरफ से रेल मंत्रालय और रेल मंत्रालय के समस्त अधिकारियों को भी देना चाहता हूँ कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम इस बार अपने परिवार को छोड़कर आए थे, अगली बार हम अपने पूरे परिवार के साथ, अपने माता पिता बच्चे और बुजुर्ग जो भी हैं उनके साथ आकर यहाँ पर और रेल मंत्रालय पर धरना प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे और अपनी कामयाबी को जरूर हासिल करेंगे। ये हौसला हमारे अंदर है। अभी जो मुजफ्फरनगर के अंदर जो रेल दुर्घटना हुई है और अधिकतर रेलों की दुर्घटना हो रही है, उसका क्या कारण है? सर, वो जो लोग अभी रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते हैं, ये लोग काम करते हैं, ये अनस्किल होते हैं सर। सबसे पहली बात, इनको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं रहता है, ये टेक्निकल नॉलेज कोई नहीं, कुछ नहीं होने की वजह से दुर्घटनाएं बढ़ते जा रही है सर। और हम लोग, यदि हम लोग उनके जगह होते ना, तो आज मैं दावे के साथ कहता हूँ सर कि कोई रेलवे में दुर्घटना नहीं हो सकती है। एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन जितने भी लड़के हैं सब एक्ट अप्रेंटिस किए हुए हैं, पूरे लड़के ट्रेन होते हैं सर, 2 साल डबल स्किल रहते हैं सर इनके। और उनके जो उनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है सर, अगर कुछ गलती होती है तो उन्हें चार्जशीट मिलती है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से आते हैं, जो काम करते हैं, उन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, ना उन्हें कोई चार्जशीट रहती, ना वो उनका काम ढंग से नहीं करते, इसीलिए रेलवे में दुर्घटनाएं हो रही है सर। उसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि जब हम रेलवे में अप्रेंटिसशिप करते हैं तो हमें हर चीज़ रेलवे के से जुड़ी हुई हर बारीकी हमें सिखाई जाती है, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोग काम कर रहे हैं उनको उस चीज़ की जानकारी नहीं है। जैसे मैं सबसे बारीकी जानकारी बताना चाहता हूँ कि जब रेलवे ट्रैक पर कार्य किया जाता है तो रेलवे ट्रैक पर कार्य करते समय सबसे पहले ट्रैक को रोकने के लिए लाल झंडे का इस्तेमाल किया जाता है कि इस ट्रैक पे कार्य हो रहा है, कृपया कोई भी गाड़ी का आवागमन इस पे ना हो। और मुझे पूरी तरीके से 100% कॉन्फिडेंस है, ये प्राइवेट वर्कर्स जो ठेकेदार के अंदर में कार्य करते हैं उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। ये जो हमारा रेल एक्सीडेंट हुआ, इसका मुख्य कारण यही था कि उनको ये जानकारी नहीं थी, उन्होंने ट्रैक को ब्लॉक नहीं किया और कार्य करने के कारण ही ये एक्सीडेंट हुआ है। और हम रेल के कुशल कारीगर हर चीज़ की बारीकी से जानकारी रखने के बाद भी यार रोज पे बैठे हुए हैं और भीख मांग रहे हैं जंतर मंतर पे कि हमें रोजगार दिया जाए, और ये ठेकेदार के आदमियों से कार्य करा के क्या इससे देश के भविष्य का नुकसान हो ही रहा है? हम सभी अप्रेंटिसेस के परिवार और हमारे सबके भविष्य का खिलवाड़ भी हो रहा है। धन्यवाद सर। मुख्य कारण क्या रहा जो मुजफ्फरनगर के अंदर जो इस तरीके की रेल दुर्घटना? सर जी, मारो नाम सुमित छे, हूँ तुम्हें पहले बता दीजिए कि जे मुजफ्फरनगर में जे रेल दुर्घटना थई छे एमा मेन कारण छे कि जे प्राइवेटेशन थयो छे और एमना ओछा पेमेंट पर अमारा दाहोद कारखाना में ओछा पेमेंट में जे कॉन्ट्रेक्टर प्रथा चाली रही छे, वर्करों ने जे ओछा पेमेंट में आले छे पेमेंट, आ एक मेन कारण छे। और मैं बताना चाहता हूँ कि सर, जो हमारे दाहोद कारखाना जो कम पेमेंट में काम कर रहे, 3-3, 4-4, 3 कॉन्ट्रैक्टर लेता सरकार से पूरी पेमेंट है, पर वर्करों को 3-4 हज़ार पेमेंट देता है, जिसके कारण क्या वर्कर अपने दिल लगी और दिल से काम करते नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ
इस न्यूज चैनल के माध्यम से कि हमारे जो हमारे रेल कार्यालय को, रेल कारखानाओं को खत्म करने के लिए जो प्राइवेटाइजेशन का एक मोदी जी ने चलाया वो एक तरह से असमर्थ हो गया, क्योंकि 3 साल में 8 दुर्घटना हो चुकी है। जो ये साफ साफ बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो प्राइवेटाइजेशन पर जोर कर रहे हैं वो प्राइवेटाइजेशन अच्छा नहीं है, विरुद्ध में जा रहा है उसके। 3 साल में 8 दुर्घटना होती जा रही है सर। हम लोग हमारे गुजरात के दावत कारखाने में जो डुप्लीकेट माल लग रहा है असेंबली के अंदर, ब्रेक बीम के अंदर, जैसे कि हमारी गाड़ी जो ट्रैक पर चलती है 120 किलोमीटर की स्पीड पर चलने के बाद नकली माल डालने के बाद वो गाड़ी क्या था, उसकी जो ब्रेक बूस्टर होता है हीट होने के कारण वो ब्रेक बूस्टर टूट जाते हैं, मेन कारण ये होता है। और दूसरी बात, वर्कर सही मामले में वर्कर नहीं होने के कारण ये दुर्घटना काफ़ी मामले में बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी मैं ये बताना चाहता हूँ, दुर्घटना का मेन कारण है कर्मचारी न उपलब्ध होना। हमारे रेलवे में अभी 2.5 लाख से ज़्यादा सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंसी खाली है। तो मैं रेल मंत्रालय सुरेश प्रभु जी और इस सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो वैकेंसी खाली है, जो कि हमारे यहाँ कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते ये दुर्घटना हो रही है और अनस्किल्ड लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको डायरेक्ट लिया जाता है, डायरेक्ट वर्क पे चढ़ा दिया जाता है। हम लोग दो साल तीन साल स्किल्ड होके काम करके उसके बारे में जानकारी लिए हैं, सब कुछ लिया, तभी आज रोड पे हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग को आश्वासन मिला है सर, ये क्या बोलते हैं, आज मैं देखा सर टीवी में कि मुजफ्फरनगर में जो ट्रेन दुर्घटना हुआ है उसमें दिखाया गया है कि मुजफ्फरनगर जोन में सर 40,000 सेफ्टी वैकेंसी खाली पड़ी है सर। हम लोग सर ऑल ओवर इंडिया में 20,000-25,000 लोग हैं, अगर देखा जाए तो हम लोग 20-25,000 एक ही जोन में हम लोग समेट सकते हैं सर, अगर हमें जॉब मिला तो। अब सोच लीजिए सर कि ऑल ओवर इंडिया में कितना वैकेंसी खाली है, 2.5 लाख पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी में खाली है सर, फिर भी हम लोग को रोड पर बिठा दिया गया है। आज अगर सेफ्टी वैकेंसी भरा रहता सर तो ये सब ट्रेन दुर्घटना जो हो रहा है ये नहीं होता। तो मैं माननीय सुरेश प्रभु जी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि हमें जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाए और जॉब दिया जाए। श्री गोपाल मिश्रा जी ने जो हमें आश्वासन दिया है वो हमारे रेलवे के पिता के तरह हैं, हम उनकी बात मानते हैं और आज हमने उनकी वजह से ही यह धरना हमारा समाप्त किया है। आपने जो प्राइवेटाइजेशन किया है वो प्राइवेटाइजेशन आपका खराब होते जा रहा है, आपका खराब मटेरियल के कारण ये रेलवे कारखाना नहीं चल पाएगा। मैं यही रेलवे प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ कि हम मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, हम अप्रेंटिस बाजी कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान की जाए। और हम लोग यही हमारे भारत देश है, जो हमारे भारत देश के सभी वासी हमें यही चाहते हैं कि स्किल इंडिया के तहत हमें नौकरी मिली जाए। जय हिंद, जय भारत। आज आपका अंतिम दिन है, आपको आश्वासन मिला है यूनियनों की तरफ से, तो आप उस आश्वासन को किस तरीके से समझ रहे हैं? इस आश्वासन को हम मान सकते हैं क्योंकि यूनियन पे हम विश्वास करते हैं। यूनियन ने आज तक, पहले भी यूनियन ने ज्वाइनिंग करवाई थी, आज आश्वासन दिया है यूनियन ने। लेकिन हम रेलवे मंत्री से प्रार्थना करते हैं भी, आज तक कोई भी रेलवे मंत्री बना है सभी ने अप्रेंटिसों के लिए अच्छा सोचा है। हम सुरेश प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं कि आप भी उन्हीं सोच को लेके, जैसे पहले रेलवे मंत्री ने हमें ज्वाइनिंग दी, आप भी उसी सोच को लेके हमें ज्वाइनिंग प्रदान करें। हम 5 साल से बेरोजगार हैं, हमने DMW पटियाला से अप्रेंटिस की थी, हमारा कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है, हमारे परिवार हैं जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, हमकी एज भी जो मैरिज की हो चुकी है, इससे बड़ा हम एज क्रॉस हो रही है हमारी, हमारा रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। इसलिए हम सुरेश प्रभु जी से, मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि हम जल्द से जल्द हमें रोजगार दिया जाए। सर हमें तो आह्वान मिल चुका है, आश्वासन मिल चुका है, पिछली बार में आए थे तो आश्वासन मिला है, यदि हमारा दिसंबर तक नहीं होता तो हम सब इससे बड़ा धरना करने वाले इधर। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि आज जो अप्रेंटिस लड़के हैं इनका आज 11वां दिन है और इनको सभी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया है, तो अशोक जी से भी हम मालूम करते हैं कि आप इनको क्या आश्वासन दे के जा रहे हैं। अशोक जी, आज इनको भारत के ऐतिहासिक जगह जंतर मंतर पर 11 दिन हो गए हैं, ये युवा साथी हैं, आप इनके लिए क्या आश्वासन दे रहे हैं सर? देखिए, जब से इन्होंने एक्ट अप्रेंटिस ने धरना शुरू किया है तो पहले दिन ही मैं आया था इनके बीच में और इनको मैंने आश्वासन दिया था कि जिस तरीके से पिछले एक्ट अप्रेंटिस जो लड़के थे उनकी भर्ती रेलवे में हो गई है, उसी प्रकार आप लोगों की भी भर्ती होगी, क्योंकि भारत सरकार के नियमानुसार 1961 का जो एक्ट अप्रेंटिस है उसके आधार पर रेलवे में, वर्कशॉप में और प्रोडक्शन यूनिट में कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है और वो बाकायदे टेस्ट क्वालिफाई करते हैं,
फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, मेडिकल क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद में उनको एक्ट अप्रेंटिस कराई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है और उसमें लाखों रुपए रेल का खर्च होता है। लाखों रुपए खर्च होने के बाद में ये लड़के मतलब ट्रेंड होते हैं और एक तरह से स्किल्ड हो जाते हैं, उसके बाद में लोगों को नौकरी दी जाती थी। अब पिछले कुछ सालों से ये प्रक्रिया बंद कर दी है। एक्ट अप्रेंटिस तो ये भर्ती करते हैं लेकिन भर्ती करने के बाद जब इनको नेशनल सर्टिफिकेट मिल जाता है, ये क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद इनको नौकरी देने से मना कर दिया। अब भारत सरकार ने, रेल मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल से जो भर्तियां होंगी उसमें 20% आपको भर्ती दी जाएगी, यानी 20% वैकेंसी एक्ट अप्रेंटिस के लिए रिजर्व कर दी है। हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है, 20% आपने भर्ती इनके लिए रिजर्व कर दी है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन इसमें यह है कि जिन लड़कों ने पहले ही टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है, पहले रेल के जितने भी नियम हैं परीक्षा के वो क्वालिफाई कर चुके हैं, मेडिकल भी इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और उसके बाद में एक साल तीन साल आपने इनको ट्रेनिंग भी दी, इनके ऊपर लाखों रुपए खर्च किए, फिर क्या ज़रूरत है आपको दोबारा टेस्ट लेने की? क्योंकि अगर उस प्रक्रिया में ये जाएंगे 20% में तो इनको दोबारा टेस्ट में जाना पड़ेगा, दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, दोबारा फिजिकल देना पड़ेगा, दोबारा मेडिकल देना पड़ेगा, उसके बाद में ये सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते ये दूसरी बात है। लेकिन जिस तरीके से पहले लोगों को भर्ती किया गया है, तो हमारी मांग ये है कि इस समय जो पड़े हुए लगभग 25,000 एक्ट अप्रेंटिस रेल के अंदर हैं और 2.5 लाख वैकेंसी रेल के अंदर पड़ी हुई हैं। आपने देखा है कि रेलवे में काफ़ी बोझ कर्मचारियों पर है, कर्मचारियों की संख्या कम है लेकिन काम ज़्यादा है उनके ऊपर। मेरा भारत सरकार और रेल मंत्रालय से यही अनुरोध है कि ये जो बच्चे हमारे 25,000 रेल एक्ट अप्रेंटिस, ये मैक्सिमम बच्चे वो हैं कि जो रेल के कर्मचारियों के बच्चे होते हैं, रेल के कर्मचारी बच्चों ने ट्रेनिंग ली है, ये स्किल्ड लेबर है एक तरह से। तो जो प्रधानमंत्री की जो सोच है कि वो स्किल्ड इंडिया पर ध्यान दे रहे हैं और एक बहुत बड़ा डिजिटल इंडिया बनाने वाले हैं, तो हमारा अनुरोध है कि ये 25,000 बच्चों को पहले रेलवे में भर्ती किया जाए, उसके बाद में रेलवे में कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, हमारा ये मांग है। सर, जैसे 20% की बात की आपने, 20% में एज का भी इनके सामने एक मुसीबत आएगी और एजुकेशन की भी मुसीबत आएगी, तो जो लड़के 3 साल 5 साल इसमें काम कर चुके हैं और जो ओवर एज होंगे, तो सर उनको क्या इन्हें बेनिफिट मिलेगा? देखिए, मेरा कहना यही है कि जब इनको एक्ट अप्रेंटिस भर्ती किया गया था ट्रेनिंग देने के लिए, तब इनका परीक्षा ली गई थी, इनका मेडिकल भी हुआ था, उस समय ये एज के अंदर थे, ये सारे नियम के अंदर आ रहे थे रेलवे के में। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए हैं कि जो ओवर एज हो गए हैं, इन्होंने ट्रेनिंग ले ली है, इनके ऊपर रेल ने पैसा खर्च किया है, अब ये ओवर एज हो गए हैं। अगर इनको ये पहले ही बता दिया गया होता कि भाई हम तुम्हारी जो भर्ती कर रहे हैं इसमें हम कोई आपको गारंटी नहीं दे रहे, गारंटी क्या, हम आपको नौकरी नहीं देंगे रेल की बिल्कुल भी, तो ये अपना उसी समय सोच लेते कि हम काहे के लिए एक्ट अप्रेंटिस में भर्ती होंगे, हम तो सीधा RRC में RRC का एग्ज़ाम देंगे। जितनी मेहनत इन्होंने एक्ट अप्रेंटिस के लिए की थी, इतनी ये एग्ज़ाम के लिए करते, काहे के लिए 5-6 वर्ष ये अपना बर्बाद करते? जब इन्होंने रेल के लोगों ने इनका समय बर्बाद करवाया है, इनके परिवार को एक तरह से मानसिक पीड़ा हो रही है, इन लोगों को भी मानसिक पीड़ा हो रही है। ये तो हमने पहले दिन हमारे एसोसिएशन के लोगों ने, हमारे ट्रेड यूनियन के बहुत सारे सम्मानित पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने समझाया कि भाई कोई आप इल्लीगल काम मत करना, कोई गलत ऐसा कदम मत उठा लेना कि आपको हमें मुसीबत पड़ जाए जिससे कि हम भारत सरकार के सामने आपकी बात को ना उठा पाएं। जबकि इन्होंने शांतिपूर्वक ये धरना किया, 10 दिन चलाया है, इन्होंने यहाँ तक भी किया कि दिल्ली के जितने भी रेड लाइट हैं जो आपके कनॉट प्लेस एरिए में आते हैं, बेचारों ने भीख मांग करके ये दिखाया कि भाई हम बेरोजगार हैं, हम लोगों को भीख दे करके हम आप गुजारा करना चाहते हैं। तो मैं अनुरोध करता हूँ माननीय मोदी जी कि आप इस बात को संज्ञान में लें और सुरेश प्रभु जी को ये बताएं कि जो 25,000 लोग रेल के एक्ट अप्रेंटिस जो हमारे बच्चे पड़े हुए हैं, उनको पहले नौकरी दी जाए और उसके बाद में प्रक्रिया शुरू की जाए। जैसे कि रेलवे में जो कर्मचारी हैं उनकी कोई बात को नहीं माना जाता, यूनियन डायरेक्ट ये कहती है हम चक्का जाम कर देंगे, रेल चक्का जाम कर देंगे, रेलों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, यदि इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आपकी यूनियन इनको किस तरीके से सहयोग करेगी? देखिए, रेल का चक्का जाम करने में तो हम सहमत नहीं है, क्योंकि अगर रेल का यूनियन इस तरीके से कहती है, यूनियन कहती रहे, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि रेल का चक्का जाम होगा तो
तो रेल का नुकसान होगा, रेल का नुकसान होगा तो रेल परिवार का नुकसान होगा, रेल परिवार का नुकसान हुआ तो अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी कर्मचारी हैं उनका भी नुकसान होगा, अन्य कर्मचारियों का भी नुकसान होगा और इससे देश के विकास पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम नहीं चाहते रेल का चक्का जाम हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो यूनियन डिमांड कर रही है, जैसे सेवंथ पे कमीशन का एनोमली थी, जैसे और भी हमारे जो सिर्फ सेवंथ पे कमीशन में जो हमारे भत्ते दिए गए थे उनको रिलीज करें। ट्रेड यूनियन की मांग जायज़ है, ट्रेड यूनियन की मांग के साथ हम सब लोग हैं, लेकिन रेल के चक्का जाम करने के लिए हम लोग यूनियन के साथ नहीं है। हम चाहते हैं कि देश का विकास हो, हम चाहते हैं कि रेल का विकास हो, रेल मजबूत हो, और रेल मजबूत तब होगी जब नौजवानों को सम्मान मिलेगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी। आज रेलवे में कमी है कर्मचारियों की, काम के घंटे ज़्यादा हो गए हैं, काम ज़्यादा हो गया है और कर्मचारी कम हैं। आपने देखा होगा ड्राइवर गार्ड अपने काम के घंटे जितने भी उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं बेचारे, वो मानसिक उन्हें प्रताड़ना हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो बच्चे ट्रेंड आपके पास स्किल्ड लेबर पड़ा हुआ है जिनको आपने लाखों रुपए खर्च करके ट्रेनिंग दी है, इनको भर्ती कर लिया जाए।